कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद की किताब में जो हिंदुत्व की तुलना आईएस से की गई, उसमें अनेकों नेताओं द्वारा सलमान खुर्शीद एवं कांग्रेस की निंदा की जा रही है। कपिल मिश्रा ने भी उन्हें करारा जवाब दिया। उन्होंने बोला, क्यों खुद को हामिद अंसारी साबित करने में लगे हो? उन्होंने पूरे विश्व में हो रहे मुस्लिम आतंक का वर्णन किया। सलमान खुर्शीद ने अपनी बुक में आईएसआईएस जैसे आतंकवादियों की तुलना हिंदुत्व से की है। हिंदुत्व की तुलना कट्टर इस्लामिक जिहादियों से करने की बेशरम कोशिश। मैं सलमान खुर्शीद से केवल यह पूछना चाहता हूं कि क्यों यह साबित करने में लगे हो कि तुम सारे हामिद अंसारी होते हो? यह थोड़ी सी उम्मीद तो रहने दो कि सब हामिद अंसारी नहीं साबित होते। क्यों ये बेशरम कोशिश? पूरे विश्व में कहीं पर भी अपनी कमर में बम बांध के बेगुनाह लोगों को हिंदू मार रहे हैं क्या? या ये जीप में, मोटरसाइकिलों में गन लेके, राइफल लेके ये जो गोली मार दी जाती है, आईडी कार्ड चेक करके हत्याएं कर दी जाती हैं पूरी दुनिया में, और आज से नहीं सैकड़ों सालों से, किस धर्म के नाम पर हो रहा है? हिंदू धर्म के नाम पर हो रहा है क्या? इस अफगानिस्तान में जो हो रहा है, सीरिया में जो हो रहा है, पाकिस्तान में जो हो रहा है, ये भारत में क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि भारत में मेजॉरिटी हिंदू है। जहां भी मेजॉरिटी कम हुई वहां पर यही सब होना शुरू हो गया। लेकिन सलमान खुर्शीद जैसे लोग, जिनको हिंदू मेजॉरिटी राष्ट्र में इतना सम्मान मिला, इज्जत मिली, उनके मन में इस प्रकार का जहर भरा हुआ है, इस प्रकार की बातें करते हैं, अपनी किताब में इस प्रकार का विष सामने लेकर आते हैं अपने जीवन के, राजनीतिक जीवन के अंतिम चरणों में। यही हामिद अंसारी का सस्ता, यही सलमान खुर्शीद का सच है, किस पर भरोसा करेंगे? मुझे लगता है कि इस प्रकार की इस्लामिक आतंक के सच को छुपाने की बेशरम कोशिश ये मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स के द्वारा की जाती है, और सलमान खुर्शीद उसका एक उदाहरण है।